अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आई मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ कच्चे खेमे के चटकारा कबाब, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास वाली बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। यहाँ मैं ली हूँ आधा किलो चिकन खीमा। खीमे को मैं मिक्सी में ग्राइंड करके ली हूँ। हमें इस तरह मिक्सी में बारीक सा ग्राइंड करके लेना है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच दरदरी पीसी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, एक चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, एक नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पुदीना बारीक चॉप करके डालेंगे, एक चम्मच भुनी हुई सफ़ेद तिल। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को हम खेमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे आधा घंटा मैरिनेट के लिए रखेंगे। अब हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। मिक्सी में हम डालेंगे एक गड्ढा लहसुन, एक मुट्ठी पुदीना, एक मुट्ठी हरा धनिया, दो हरी मिर्च इसे हम तोड़ के डालेंगे, एक छोटी साइज की प्याज, स्वाद अनुसार नमक, एक नींबू का रस। अब हम इसे ग्राइंड करके लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करके लेंगे। यहाँ पे हमारी पुदीना चटनी बन चुकी है। आधा घंटा हो चुका है, चिकन खीमा हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना के लेंगे। इसी साइज में हमें गोले बना के लेना है। इस तरह से हम सभी गोले बना के लेंगे। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रखी हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। ऑयल में हम कच्चे खीमे के गोले डालेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। चिकन को हमें अच्छी तरह से अंदर तक पकने देना है। चटकारा कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल के लेंगे। कच्चे खेमे के चटकारा कबाब और पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। ये बहुत ही झटपट और आसान बनने वाली रेसिपी है। आप ये चटकारा कबाब ज़रूर बनाइए। आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।